ओम श्री गणेशाय नमः। शनिदेव भगवान शनिवार व्रत कथा। एक समय सूर्य चंद्रमा मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु और केतु इन नौ ग्रहों में आपस में विवाद हो गया, हमसे सबसे बड़ा कौन है। सब अपने आप को बड़ा ही कहते थे। जब आपस में जो है कोई निश्चय नहीं हो सका तो सब आपस में झगड़ते हुए देवराज इंद्र के पास गए और कहने लगे कि आप सब देवताओं के राजा हैं, इसलिए आप हमारा न्याय करके बतलाइए कि हम नौ ग्रहों में सबसे बड़ा कौन है। देवराज इंद्र देवताओं का प्रश्न सुन करके घबरा गए और कहने लगे कि मुझमें यह सामर्थ्य हिम्मत नहीं है कि मैं किसी को छोटा या बड़ा बतला सकूं। मैं अपने मुख से जो है कुछ नहीं कह सकता हूं। हाँ, एक उपाय हो सकता है। इस समय जो है पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य दूसरों के दुखों का निवारण करने वाले हैं, इसलिए आप सब मिलकर के उन्हीं के पास जाएं, वही जो है आपके विवाद का निवारण कर सकेंगे। सभी ग्रह देवता देवलोक से चल करके भूलोक पृथ्वी पर आकर के राजा विक्रमादित्य के सभा में उपस्थित हुए और अपना अपना प्रश्न जो है राजा के सामने रखा। राजा विक्रमादित्य जो है ग्रहों की बात सुनकर के गहरी चिंता में पड़ गए कि मैं अपने मुख से जो है किसको छोटा और किसको बड़ा बतलाऊंगा। जिसको छोटा बताऊंगा वही क्रोध करेगा। उनका झगड़ा निपटाने के लिए जो है उन्होंने यह एक उपाय सोचा और सोना चांदी कांसा पीतल शीशा रांगा जस्ता अभ्रक और लोहा नौ धातुओं के आसन बनवाए। सब आसनों को क्रम से जो है जैसे सोना सबसे पहले और लोहा जो है सबसे पीछे बिछाया गया। इसके पश्चात राजा ने सब ग्रहों से कहा कि आप सब जो है अपना अपना आसन ग्रहण करिए। जिसका आसन जो है सबसे आगे होगा वह सबसे बड़ा होगा और जिसका आसन सबसे पीछे होगा वह सबसे छोटा जानिए। क्योंकि लोहा सबसे पीछे था और वह जो है संदेव का आसन था, इसलिए संदेव ने समझ लिया कि राजा ने मुझको सबसे छोटा बना दिया है। इस निर्णय पर संदेव को बहुत ही क्रोध आया। उन्होंने कहा कि राजा तो मेरे पराक्रम को नहीं जानता है। सूर्य एक राशि पर एक महीना, चंद्रमा सब दो महीने दो दिन और मंगल जो है डेढ़ महीने रहता है। बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र जो है एक एक महीने विचरण करते हैं, परंतु मैं एक राशि पर 2.5 वर्ष से लेकर 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने भी पानी पिला दिया है अर्थात भीषण दुख दिया है। राजन सुन लो, रामचंद्र जी के ऊपर जब 7.5 साती आई और उन्हें वनवास हो गया, रावण पर भी जब आई 7.5 साती का प्रकोप, तब जो है राम जो है बांदरों की सेना लेकर के लंका पर चढ़ाई कर दी और रावण के कुल का नाश कर दिया। हे राजन, अब तुम सावधान रहना। राजा विक्रमादित्य ने कहा, जो कुछ भाग्य में होगा देखा जाएगा। इसके बाद अन्य ग्रह तो प्रसन्नता के साथ अपने अपने स्थान पर चले गए, परंतु संदेव का क्रोध के साथ जो है वहां से सिधारे। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर राजा विक्रमादित्य की 7.5 साती की दशा आई तो संदेव घोड़ों का सौदागर बन करके अनेक सुंदर घोड़ों के सहित जो है राजा विक्रमादित्य की राजधानी में आए। जब राजा ने घोड़ों के सौदागर को आने की खबर सुनी तो अपने अश्वपाल को अच्छे अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। अश्वपाल जो है अर्थात घोड़े का रक्षक जो है ऐसी अच्छी नस्ल के घोड़े को दे करके और उसका मूल्य सुनकर चकित हो गया और तुरंत ही राजा को खबर दी कि राजा विक्रमादित्य उन घोड़ों को देख करके हैरान रह गए, चकित रह गए, दंग रह गए। अच्छा घोड़ा चुन करके सवारी के लिए उस पर चढ़े। राजा की पीठ पर चढ़ते ही घोड़ा तेजी से भागा और घोड़ा बहुत दूर घने जंगल में जाकर के राजा को छोड़ करके अंदर ध्यान हो गया। इसके बाद राजा विक्रमादित्य अकेला जंगल में भटकता रहा। भूख और प्यास से दुखी राजा ने भटकते भटकते एक ग्वाले को देखा। ग्वाले ने राजा को प्यास से व्याकुल देख करके पानी पिलाया। राजा की अंगुली में एक अंगूठी थी, वह अंगूठी उसने निकालकर प्रसन्नता के साथ ग्वाले को दे दी और स्वयं शहर की ओर चल दिए। राजा शहर में जाकर के एक सेठ की दुकान पर जाकर बैठ गया और अपने आप को उज्जैन का रहने वाला तथा अपना नाम बीका बतलाया। सेठ ने उसको एक कुलीन मनुष्य समझ करके जल दिया, पानी पिलाया, कुछ खिलाया पिलाया। भाग्यवश उस दिन जो है सेठ की दुकान पर बहुत अधिक बिक्री हुई। तब सेठ उसको जो है भाग्यवान पुरुष समझ करके भोजन कराने के लिए अपने साथ अपने घर ले आया। भोजन करते समय राजा विक्रमादित्य ने एक आश्चर्यजनक घटना देखी। जिस खूंटी पर जो है हार लटका था वह खूंटी उस हार को निगल रही थी। भोजन के पश्चात जब सेठ कमरे में आया तो उसे कमरे में हार नहीं मिला। उसने वह निश्चय किया कि सिवाय बीका के और कोई इस कमरे में नहीं आया था, अतः जो है अवश्य ही उसी ने हार चोरी किया है। परंतु बीका ने, बीका का मतलब है विक्रमादित्य, ने हार लेने से इनकार कर दिया। इस पर जो है 5-7 आदमी उसको जो है पकड़ करके नगर के
फौजदार के पास ले गए और फौजदार ने उसको जो है राजा के सामने उपस्थित कर दिया और कहा कि आदमी भला प्रतीत होता है, चोर मालूम नहीं होता है, परंतु सेठ का कहना है कि इसके सिवाय और कोई घर में आया ही नहीं था, इसलिए अवश्य ही इसी ने चोरी की है। राजा ने आज्ञा दी कि इसके हाथ पैर कटवा करके चौरंगिया किया जाए। राजा की आज्ञा को सुन करके आज्ञापालों ने तुरंत उसका पालन किया। बीका के हाथ पैर कटवा दिए गए। कुछ काल व्यतीत होने पर एक तेली उसको जो है अपने घर ले गया और उसको कोल्हू पर बिठा दिया। बीका उस पर बैठा हुआ जो है अपनी जवान से बैल हाँकता रहा। इस काल में राजा की शनि की दशा समाप्त हो गई। वर्षा ऋतु के समय वह मल्हार राग में गाने लगा। यह राग सुनकर के उस शहर की राजकन्या जुक्की जो है मनभावनी उस राग पर मोहित हो गई। राजकन्या ने राग गाने वाले की खबर लाने के लिए अपनी दासी को भेजा। दासी सारे शहर में घूमती रही। जब वह तेली के घर के निकट से निकली तब क्या देखती है कि एक तेली के घर में चौरंगिया राग गा रहा है। दासी ने लौट करके राजकुमारी को सब वृत्तांत सुना दिया। बस उसी क्षण राजकुमारी मनभावनी ने अपने मन में यह प्रण कर लिया कि चाहे जो कुछ भी हो मैं इस चौरंगिया के साथ ही विवाह करना चाहूंगी, निश्चय कर लिया। प्रातः काल होते ही जब दासी ने राजकुमारी मनभावनी को जगाना चाहा तो राजकुमारी अनशन व्रत लेकर के पड़ी रही। दासी ने रानी के पास जाकर के राजकुमारी के न उठने का वृत्तांत सारी कथा समाचार सुनाया। रानी ने वहां जाकर के राजकुमारी को जगाया और उसके दुख का कारण पूछा। राजकुमारी ने कहा कि माताजी मैंने यह प्रण कर लिया है कि तेली के घर में जो चोरंगिया है मैं उसी के साथ विवाह करूंगी। माता ने कहा पगली तू यह क्या कर रही है, तुझे किसी देश के राजा के साथ प्रण किया जाएगा। कन्या कहने लगी कि माताजी मैं अपने मन में प्रण कर चुकी हूँ, उस प्रण को कभी नहीं तोड़ूंगी। माता ने चिंतित होकर के यह बात महाराज को बताई। महाराज ने भी आकर के उसे समझाया कि मैं अभी देश देशांतर में अपने दूत भेज करके सुयोग्य रूपवान एवं बड़े से बड़े गुणी राजकुमार के साथ तुम्हारा विवाह करूंगा, ऐसी बात तुम्हें कभी नहीं विचारनी चाहिए, मन में सोचनी चाहिए। परंतु राजकुमारी ने कहा पिताजी मैं अपने प्राण त्याग दूंगी परंतु किसी दूसरे से विवाह नहीं करूंगी। यह सुनकर के राजा ने क्रोध से कहा यदि तेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा है तो जैसी तेरी इच्छा हो वैसा ही करना। राजा ने तेली को बुला करके कहा कि तेरे घर में चौरंगिया है, उसके साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करना चाहता हूँ। तेली के ने कहा महाराज यह कैसे हो सकता है, कहाँ आप जो है हमारे राजा है और कहाँ मैं एक नीत तेली हूँ, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली की घटना उसने दे दिया। राजा ने कहा कि भाग्य के लिखे को कोई नहीं टाल सकता है, अपने घर में जाकर के विवाह की तैयारी करो। राजा ने सारी तैयारी कर तोरण और वृंदावन लगवा करके राजकुमारी का विवाह जो है चौरंगिया के साथ कर दिया। रात्रि को जब भिक्षुमा देते और राजकुमारी महल में सोए थे तो आधी रात के समय संदेव ने भिक्षुमा देते को स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि हे राजा कहो मुझको छोटा बतलाकर तुमने कितना दुख उठाया है। राजा ने संदेव से क्षमा मांगी। सनिदेव ने राजा को क्षमा कर दिया और प्रसन्न होकर के भिक्षुमा देते को हाथ पैर वापस कर दिए। तब राजा विक्रमादित्य ने संदेव से प्रार्थना की महाराज मेरी प्रार्थना स्वीकार करें, जैसा दुख जो है आपने मुझे दिया है वैसा और किसी को ना देना। संदेव ने कहा तुम्हारी यह प्रार्थना स्वीकार है, जो मनुष्य मेरी कथा सुनेगा वह कहेगा उसके सारी मेरी दशा जो है साढ़े शादी की समाप्त हो जाएगी, कभी किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होगा और जो जरूरत होगी वह मैं पूरा करूंगा और मेरा ध्यान करेगा या चींटियों को आटा कभी डालेगा उसके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। इतना कह करके संदेव अपने धाम को चले गए। राजकुमारी जब मनमोहनी की आंखें खुली तो और चौरंगिया को हाथ पैर से युक्त देखा तब वह आश्चर्यचकित हो गई। उसको देख करके राजा विक्रमादित्य ने अपनी समस्त हाल कहा कि मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ। यह घटना सुनकर के राजकुमारी अत्यंत प्रसन्न हुई। प्रातः काल राजकुमारी ने उसको उसकी सखियों के साथ जो है पिछली रात का हाल चाल पूछा तो उसने अपने पति का समस्त वृत्तांत का सुनाया। तब उसने ने जो है सबसे प्रसन्नता पूर्वक जाकर के यह बात प्रकट किया कि ईश्वर ने आपकी मनोकामना पूर्ण कर दी है। जब उस सेठ ने यह घटना सुनी तो वह राजा विक्रमादित्य के पास आया और उसके पैरों पर गिर करके क्षमा मांगने लगा कि आप जो है आपके ऊपर मैंने चोरी का झूठा आरोप लगाया था, आप मुझे जो दंड देना चाहे वह दंड दीजिए, मैं इसे स्वीकार है। राजा ने कहा मुझ पर संदेह के प्रकोप था, इसी कारण यह सब दुख मुझे प्राप्त हुआ है, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, तुम अपने घर जाकर के अपनी कार्य को पूरा करो, तुम्हारा कोई अपराध नहीं है। सेठ बोला महाराज मुझे तभी शांति मिलेगी जब आप मेरे घर चल करके प्रेत पूर्वक भोजन करेंगे। राजा ने कहा जैसी आपकी इच्छा है वैसा ही करेंगे। सेठ ने अपने घर जाकर के अनेक प्रकार के सुंदर व्यंजन
बनवाए और राजा विक्रमादित्य को प्रीति भोज दिया। जिस समय राजा भोजन कर रहे थे वह एक अत्यंत आश्चर्यजनक घटना सबको दिखाई दी। जो खूंटी पर पहले हार निगल गई थी वह सब जो है हार उगल रही थी। जब भोजन समाप्त हो गया तो सेठ ने हाथ जोड़ करके बहुत सी मोहरे राजा को भेंट दी और कहा, मेरी श्री कौड़ी नाम की कन्या है, उसका जो है आप पाणी ग्रहण करें। राजा विक्रमादित्य ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। तब सेठ ने अपनी कन्या का विवाह जो है राजा के साथ कर दिया और बहुत सारा दान दहेज दे करके विदा किया। कुछ दिन तक इस प्रकार से राजा राज्य में निवास करने के पश्चात राजा विक्रमादित्य ने अपने ससुर से राजा से कहा कि अब मेरी जो है जैन जाने की इच्छा है, अर्थात मैं अपनी नगरी को जाऊंगा। कुछ दिन बाद विदा लेकर के राजकुमारी मनभावनी सेठ की कन्या श्री कौरी तथा दोनों जगह दहेज में प्राप्त अनेक प्रकार के दास दासी नौकर चाकर रुपया पैसा रस पालकियों के साथ राजा विक्रमादित्य जो है उज्जैन की तरफ चले। जब वे शहर के निकट पहुंचे और पुरवासियों ने राजा को आने का संवाद सुना तो उज्जैन की समस्त प्रजा जो है ग्वानी के लिए आई। प्रसन्नता से जो है राजा अपने महल में पधारे। सारे नगर में भारी उत्सव मनाया गया और रात्रि को दीपमाला की गई। दूसरे दिन राजा ने अपने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि संदेव सब ग्रहों में सर्वोपरि है, मैंने इनको छोटा बतलाया है, इसी से मुझको यह दुख प्राप्त हुआ है। इस प्रकार सारे राज्य में संदेव की पूजा और कथा होने लगी। राजा और प्रजा अनेक प्रकार के सुख भोगती ही रही। जो कोई संदेव भगवान की इस कथा को पढ़ता है या सुनाता है संदेव की कृपा से उसके सब दुख दूर हो जाते हैं। व्रत के दिन जो है संदेव की कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। श्री संदेव जी की आरती। जय जय शनिदेव महाराजा, जन के संकट हरने वाले, तुम शौर्य पौत्र बलधारी, भय मानत दुनिया सारी जी। साधत हो दुर्लभ काज, तुम धर्म राज के भाई, जम क्रोरता पाई जी, गन गर्जन करते आवाज, तुम नील देव विकरारी जी, मानत है दुनिया सारी जी। भैंसा पर करत सवारी जी, कर लोहा गदा रहे साज, तुम विभूति रंग बनाओ जी, निर्धन सिर छत्र धराओ जी, समरथ हो करन मम काज, राजा को राज मिटाओ जी। जिन भगतों पर फेर दिवायो जी, जग में हुए गई जय जयकार, तुम हो स्वामी हर चरणन सिर करत नमामि जी। पूर्वो जन जन की आस, यह पूजा देव तिहारी जी। जय जय श्री शनिदेव महाराज, हम करत दीन भाव ते प्यारी जी, अंगीकृत करो कृपाल जी। प्रभु सुधि देश निहारो जी, क्षमिए अपराध हमारो जी, है हाथ तिहारे इलाज, हम बहुत विपति घबराए जी। शरणागत तुम्हारी आए जी, प्रभु सिद्ध करो सबका, यह विनय कर जोर कर भक्तों सुनाओ जी, तुम देवन के सिरताज। जय जय श्री संदेव प्रभु, करिए मन की आज, जय श्री संदेव भगवान की।